हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें मैं आपको थर्ड यूनिट पढ़ाने वाली हूँ, स्वास्थ्य आकलन। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य आकलन मेरी अगली हेडिंग है। स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं की योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा उनसे संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वास्थ्य का आकलन या मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। स्वास्थ्य आकलन के लाभ मैं आपको एडवांटेज बताऊंगी। फर्स्ट है समुदाय स्वास्थ्य नर्स का समुदाय के विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार। नेक्स्ट विकार, डिसऑर्डर या रोग या प्रारंभिक अवस्था में ही पता लग जाना। नेक्स्ट है रोग से बचाव की जानकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का समुचित अवसर प्राप्त होना। नेक्स्ट समुदाय के स्वास्थ्य स्तर की जानकारी होना। नेक्स्ट स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना या योजना निर्माण हेतु सूचनाएं प्राप्त होना। नेक्स्ट समुदाय में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के अच्छे संबंध विकसित होना। अगली हेडिंग है स्वास्थ्य आकलन के घटक, कंपोनेंट्स। हिस्ट्री टेकिंग, रोगी के विश्वास, आशंकाओं, स्वास्थ्य के प्रति उसके दृष्टिकोण, पूर्ण चिकित्सा विवरण तथा उपचार हेतु इतिवृत्त लेना आवश्यक है। इतिवृत्त के माध्यम से व्यक्ति की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा पोषण, पूर्ण रुग्णता, दुर्घटना, वर्तमान रोग इत्यादि के विषय में सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। शारीरिक परीक्षण में रोगी का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। शिशु की स्थिति में माँ को आश्वस्त कर तथ्य एकत्रित करने चाहिए। स्वास्थ्य आकलन हेतु शारीरिक परीक्षण में निम्न समावेश करना चाहिए, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है वजन एवं ऊंचाई का माप, ताप, नाड़ी स्तर, श्वसन, बीपी का परीक्षण। नेक्स्ट शारीरिक मानसिक विकास की जांच करना। नेक्स्ट व्यक्ति का सामान्य रूप से रंग आकृति, सिर से लेकर पांव तक परीक्षण करना। शारीरिक परीक्षण के साधन निरीक्षण। सेकंड है स्पर्श परीक्षण। थर्ड परीक्षण या क्षण का निदान। नेक्स्ट है परितापन या आभात निदान। स्वास्थ्य आकलन का स्थान, स्वास्थ्य आकलन व्यक्ति के घर, स्वास्थ्य केंद्र अथवा चिकित्सालय में किया जा सकता है। स्वास्थ्य आकलन से प्राप्त समस्त विवरण को उपयुक्त तरीके से रिकॉर्ड करना आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को आकलन करते समय लघु श्रेणी के रोगों तथा समस्याओं का यथासंभव समाधान अथवा उपचार भी करना चाहिए। आवश्यक हो तो रोगी को परामर्श के लिए आगे भेजना चाहिए। नेक्स्ट स्वास्थ्य आकलन में इतिवृत्त का महत्व, इनके इम्पोर्टेंस। किसी भी आयु वर्ग के विशेष स्वास्थ्य आकलन में इतिवृत्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात समुदाय स्वास्थ्य नर्स को इतिवृत्त के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी रखना वांछनीय है। इतिवृत्त का वर्गीकरण, इसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है पूर्ण इतिवृत्त। नेक्स्ट है विवरणात्मक इतिवृत्त। नेक्स्ट समस्या केंद्रित इतिवृत्त, अंतर्निहित इतिवृत्त। इतिवृत्त की संरचना, इनके भी पॉइंट्स हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक इतिहास। नेक्स्ट है पारिवारिक इतिहास, पूर्ण चिकित्सा इतिवृत्त इतिहास, वर्तमान रुग्णता। नेक्स्ट है मुख्य चिकित्सा समस्या या शिकायत। इतिवृत्त में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के उत्तरदायित्व। फर्स्ट है व्यक्ति को अपना परिचय दें। नेक्स्ट है रोगी को आदर सहित समावेश करें। नेक्स्ट रोगी को आरामदेह स्थिति में रखें। नेक्स्ट रोगी से वार्तालाप करते समय कमजोरी रखें।
नेक्स्ट, सुनने की अधिक कोशिश करें, कम से कम निर्देश प्रदान करें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पारिवारिक पूर्ण चिकित्सा भावनात्मक पक्षों सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी करें। नेक्स्ट है रोगी की मुख्य शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट व्यक्ति की गोपनीयता निश्चितता एवं एकांत का ध्यान रखें। नेक्स्ट आवश्यक प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। नेक्स्ट व्यक्ति की किसी भी आदत या दृष्टिकोण की आलोचना ना करें। नेक्स्ट है रोगी की समय समय पर आने वाली भाषाओं का प्रयोग करें। और नेक्स्ट है सहनशीलता एवं धैर्य के साथ रोगी के तीव्र प्राप्त करें। अगली हेडिंग है स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण एवं विशेषताएं। एक स्वस्थ व्यक्ति के ऐसे लक्षणों का वर्णन करना काफ़ी कठिन है जो सभी के लिए स्वीकार हो। उसके पीछे मूल कारण यह है कि हमारे पास ऐसे स्टेटस अथवा प्रतिमान उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर सार्वभौमिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों अथवा विशेषताओं को निर्धारित किया जा सके। एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है: शारीरिक, सामाजिक, अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एवं मानसिक। शारीरिक लक्षण निम्नांकित घटक किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रमुखता के से दर्शाते हैं। इनमें से अधिकांश को सिर से पैर में तक का आकलन द्वारा मापा भी जा सकता है। पॉइंट्स हैं सामान्य शारीरिक रूप, रंग या छवि। नेक्स्ट मानसिक स्तर। नेक्स्ट है भाषा या स्पीच। सिर एवं गर्दन, बाल। नेक्स्ट स्केल, गर्दन, चेहरा, अनावश्यक तनाव। नेक्स्ट है हेडिंग है नेत्र, कान, नाक, मुंह, होंठ, मुंह की श्लेष्मा, मसूड़े, दांत, जीभ या तालू। वक्ष पॉइंट्स है हृदय, उदर, हाथ एवं पैर संवेदनाएं, शारीरिक एवं तंत्रों की समीक्षा। नेक्स्ट है जैविक लक्षण। मैं अगली हेडिंग बताऊंगी सामाजिक लक्षण। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।